प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके निर्देश के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 710 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट आज भारत को समर्पित किया जा रहा है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे आज वर्तमान में दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और विशाखापट्टनम के लिए कनेक्टिविटी है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि भारत के एक एक अंग में यह अधोसंरचना स्थापित हो पाए और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत के प्राचीन इतिहास का एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि मोती है, उस मोती को पूर्ण स्वरूप देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी द्वारा ये एयरपोर्ट भारत की जनता को समर्पित किया जाएगा। उसी के साथ साथ इस द्वीप समूह में तीन और एयरपोर्ट भारत विमान प्राधिकरण के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, शिवपुर में, कार निकोबार में और एक और एयरपोर्ट स्थापित हो रहा है, और उसी के साथ चार चार वाटर ड्रोन भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक प्रगति होगी और उसी के साथ एक नई विकास की ऊंचाइयां ये क्षेत्र भी छू पाएगा।